रेल यात्री जरा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में जब भी कभी आप किसी परेशानी में पड़ते थे तो आपको टीटी के पास गुड़धरिया करना पड़ता था, चरौरी करनी पड़ती थी। भाव तो ऐसे खाते थे जैसे शादी में आया हुआ दूल्हा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ट्रेन में टीटी के पास जाने और उससे विनती करने की जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है। दरअसल चलती ट्रेन में वेटिंग या फिर आरएसी टिकट को कंफर्म कराने के लिए टीटी की चिरौरी नहीं करनी होगी, ना ही कोच में उसके आगे पीछे आपको अब घूमना होगा। रेलवे मंत्रालय के एक फैसले से ट्रेनों में वेटिंग और आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिल जाएगी। रेलवे प्रीमियम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के टीटी को हैंड हेल्ड टर्मिनल HT मशीन दिया जा रहा है, ये तो आपको पता है, जिसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। HHT डिवाइस से खाली बर्थ वेटिंग या RAC नंबर और श्रेणी के अनुसार स्वतः ही कंफर्म होती जाएंगी। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रीमियम ट्रेनों जैसे कि राजधानी शताब्दी में TTE को HHT डिवाइस दी थी। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। यात्रियों के वेटिंग या RAC टिकट चार्ट बनाने के बाद चलती ट्रेन में स्वतः ही कन्फर्म हुए और उनके पास मैसेज भी पहुंचे। HHT की सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 559 ट्रेनों में टीटी को 5,850 HHT डिवाइस अब दे दी है। रेलवे की योजना धीरे धीरे प्रीमियम ट्रेनों के साथ सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में देने की है। रेलवे बोर्ड के अनुसार चलती ट्रेन में एक दिन में 5,23,604 रिजर्वेशन हुए। ट्रेन में सफर के दौरान इनमें 2,42,825 टिकट की जाँच HHT डिवाइस से की गई। इनमें 18,000 से अधिक RAC और 9,000 से अधिक वेटिंग टिकट कन्फर्म हुए। रेलवे मंत्रालय के अनुसार सामान्य दिनों में प्रतिदिन 12,50,000 रिजर्वेशन होते हैं। जब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में HHT डिवाइस से टिकटों की जांच की जाएगी तो कन्फर्म होने वाले टिकटों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में काफी ट्रेनों में TTE चार्ट लेकर टिकट की चेकिंग करते हैं। जिस बर्थ पर यात्री नहीं पहुंचता है उसे मार्क कर लेता है। ये खाली सीट किस वेटिंग वाले या फिर RAC वाले को दी जाए ये TTE पर निर्भर करता था। कई बार TTE कन्फर्म करने के नाम पर सौदेबाजी भी कर लेते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही रेलवे ने HHT डिवाइस को अब बहाल कर दिया है। HHT डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है। TTE जैसे ही किसी भी श्रेणी में खाली बर्थ मार्क करेगा, HHT में दर्ज होते ही रेलवे स्टेशनों के PRS IRCTC की वेबसाइट में ये दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे पहले स्वतः ही ट्रेन में वेटिंग या फिर RAC टिकट शुरुआती नंबर के क्रम में सब कन्फर्म होंगे। अगर कन्फर्म होने के बाद भी बर्थ खाली रहती है तो रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों में या फिर ऑनलाइन ट्रेन के टिकट बुक किए जा सकते हैं। अभी तक ऐसी बर्थ खाली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो रेलवे ने व्यवस्था कर दी है उसके बाद TTE के पास जाकर आपको उसके पैर नहीं पड़ने होंगे, उससे निहोरा नहीं करना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।